मैच होगा बिल्कुल किलर जब आपस में भिड़ेंगे दिल्ली के दबंग और हरियाणा के स्टीलर। जी हाँ, मैं नमन कापरी आपका स्वागत करता हूँ चर्चाए कबड्डी पर। यहाँ मिलते हैं कबड्डी के रंग मेरे और आपके संग। आप जैसे कि आपको पता है डबल पंगा है, दो मुकाबले आपको देखने मिलेंगे, दो बड़े मुकाबले देखने मिलेंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले मुकाबले की जो खेला जाएगा दबंग दिल्ली और हरियाणा स्टीलर्स के बीच। ये आप बिल्कुल लाइव देख सकते हैं 7:30 बजे से स्टार स्पोर्ट्स टीवी नेटवर्क पर। अगर मैं बात करूं दोनों ही टीमों के इतिहास की, तो इतिहास कहता है कि ये टीमें आपस में 9 बार भिड़ी हैं, जिसमें से 3 बार जीती है दबंग दिल्ली और 6 बार जीती है हरियाणा स्टीलर्स। तो हरियाणा ने यहाँ पे एक अच्छी बढ़त बना रखी है और उम्मीद करेंगे कि आज भी इस बढ़त को कायम रख सके। अब अगर मैं बात करूं टीमों और खिलाड़ियों की, तो हरियाणा स्टीलर्स का मुकाबला पिछला मुकाबला था पुनेरी पलटन के साथ, जहां विकास खंडोला ने 8 रेड पॉइंट लिए। जयदीप ने बहुत बढ़िया साथ दिया डिफेंस में, 6 टैकल पॉइंट्स उन्होंने लिए और 1 बोनस पॉइंट। और मोहित ने जयदीप का बहुत बढ़िया साथ दिया 7 पॉइंट के साथ। तो तीन खिलाड़ियों ने हाई फाई लगाया, सुपर टेन से जरूर चूक गए लेकिन अच्छा प्रदर्शन दिखाया। मीतू, आशीष, रवि और रोहित कुछ खास कर नहीं पाए लेकिन उम्मीद करेंगे आज उनसे बेहतर गेम का। स्टेटिस्टिक्स की बात करो तो 11 मैच में ये टीम 15 बार ऑल आउट हुई है और 12 बार इन्होंने ऑल आउट किया है। 11 सुपर टैकल्स किए हैं और 7 सुपर 10, जहां 3 है मीतू के नाम, 3 है विकास के नाम और 1 है रोहित कुलिया के नाम। अगर फैंटेसी पिक्स की बात करूं तो फैंटेसी पिक्स में सबसे बड़ा नाम यहाँ पर उठकर आते हैं जयदीप कुलदीप, जिन्होंने डिफेंस में 829 पॉइंट्स लिए हैं। उनके बाद रेडिंग डिपार्टमेंट में आते हैं विकास खंडोला, जिन्होंने 705 पॉइंट लिए और एक बहुत बढ़िया पिक है आज के मैच के। अगर डिफेंस में बात करो, सुरेंद्र नाड़ा हरियाणा स्टीलर्स के जान है, इनसे बेहतर डिफेंडर शायद ही हरियाणा की टीम में हो। जयदीप कुलदीप का बहुत बढ़िया साथ देते हैं और 641 पॉइंट से आती है, एक मस्ट पिक है आज के मैच की। अब अगर मैं बात करूँ दबंग दिल्ली की, तो इनका पिछला मुकाबला था पटना पायरेट्स के साथ, जहां उनके रेडर विजय मलिक ने 5 रेड पॉइंट, 4 बोनस पॉइंट के साथ 9 पॉइंट बटोरे। संदीप नरवाल ने 6 रेड पॉइंट, 1 टैकल, 1 बोनस के साथ 8 पॉइंट लिए और आशु मलिक के नाम 2 रेड पॉइंट और 1 बोनस के साथ 3 पॉइंट हुए। तो आप देखें तो विजय और संदीप ने काफी बढ़िया प्रदर्शन कराया है। और डिफेंस में देखूं तो जीवा कुमार, मंजीत चिल्लर, कृष्ण और मोहम्मद मनाक सब ने 2 2 2 2 पॉइंट लिए हैं और एक अच्छा डिफेंसिव परफॉर्मेंस दिखाया है। अगर मैं स्टेटिस्टिक्स की बात करूं तो 11 मैच में 13 बार टीम ऑल आउट हुई है और 12 बार इन्होंने ऑल आउट किया है। 2 सुपर टैकल है इनके नाम और 9 सुपर 10 है, जिसमें 7 है नवीन कुमार के नाम और 2 है विजय के नाम। फैंटेसी पिक्स की बात करो तो यहाँ पे सबसे बड़े फैंटेसी पिक बनकर आते हैं नवीन कुमार, जिनके पास 1000 से भी ज्यादा पॉइंट्स है रेडिंग में। मंजीत चिलर एक जबरदस्त ऑलराउंडर, 524 पॉइंट्स के साथ एक बहुत बेहतरीन पिक आज के मैच के लिए, और उनका बहुत बढ़िया साथ देते हैं उनके जोड़ी में ऑलराउंडर संदीप नरवाल, 477 पॉइंट्स के साथ फॉर्म में है खिलाड़ी। आप बिल्कुल जा सकते हैं इनके पीछे। मुझे लग रहा है यार दबंग दिल्ली बिल्कुल हरा सकती है हरियाणा को अगर फॉर्म में आ जाती है। मंजीत और संदीप बहुत कड़क फॉर्म में दिख रहे हैं। ये थी हमारे इस मैच की प्रीव्यू, हम फिर मिलेंगे आपसे अगले मैच की प्रीव्यू के साथ। आप देख रहे हैं लीग 11 पर चर्चाए कबड्डी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको दबा दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए दबंग दिल्ली या हरियाणा स्टीलर्स आप है किसकी तरफ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। मैं नमन कापरी, धन्यवाद।